कीजिए, दांत सड़ाइए, गुटखा खाइए, गाल गलाइए, सिगरेट पीजिए, कैंसर बढ़ाइए, चाय पीजिए, गैस बुलाइए, आइए, मौत का पैगाम हमारे यहाँ से लेकर के जाइए, पैसा हमको दीजिए और मौत के नाम फिर में पाइए जी। हेलो, व्हाट्स हैपनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो आज है छठ पूजा का फर्स्ट डे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी छठ पूजा टू ऑल। तो आज सुबह मॉर्निंग में 8 बज रहे अभी, और मैं और मेरे अंकल जा रहे पूरा फल वल खरीदने, तो पूरा एक्सप्लोर करूँगा मैं, देखते रहना। आए हुए हैं फल खरीद रहे हैं छठ पूजा, इसके लिए मैं और मेरे अंकल आए हुए पीछे, वो फल खरीद रहे हैं। और देख लो जितना भी पीछे भीड़ है सब छठ पूजा के लिए, ये सारे फल खरीद रहे आज, क्योंकि आज फर्स्ट डे छठ पूजा का। जितनी भी पब्लिक रोड पे दिख रही है वो वन एंड ऑनली खाली फल खरीदने के लिए निकली है, और दूसरे काम के लिए कोई भी नहीं निकला है, और जो भी छठ पूजा के रिलेटेड काम है बस वो सब कर रहे सारे। बहुत ज़्यादा ही रश है, बहुत पब्लिक है, मतलब बहुत ज़्यादा, सारे फल खरीदने के लिए निकले। सबसे मेन ईक ही होता है छठ पूजा में, तो ईक सारे ले रहे। हमारा एक बैग भर चुका है पूरा फल से, अभी और फल लेना है, और एक दो बैग भरने वाला है, अभी अंकल ले ही रहे अभी भी। फल वल खरीदने के बाद हम लोग आए हैं चाय पीने, मूड फ्रेश करने के लिए, तो चाय पीने के बाद वापस से जाने वाले। हम आ चुके हैं फल खरीदने के लिए, देख लो न्यू झोले में, और चाय पीने के बाद फुल एनर्जेटिक फील हो रहा है हमको। तो भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत ही ज़्यादा रश है पूरा रास्ता। तो खरीदने के बाद हम आपको मिलते हैं पे, हर काउंटर पूरा भरा हुआ है, तो देख लो बहुत ही ज़्यादा रश है फल खरीदने के लिए आज, क्योंकि आज फर्स्ट डे भाई छठ पूजा का। कुछ ऐसा है कि केले वाले भैया ने केला छोड़ के चला गया, तो अभी अंकल लोग ले रहे और बाद में आएगा, देखते क्या होगा। और अंकल और अंकल के दोस्त भी आ चुके हैं भैया। कितने का भैया? 10 रुपए, 10 रुपए पेटी, पेटी है पूरा। हमारा फल लेकर हो चुका है, दूसरा बैग भी हाफ भर चुका है, तो अब चलो मिलते हैं, जो भी आगे का होगा दिखाऊंगा मैं आपको। छठ पूजा में हर एक चीज नेचुरली यूज होता है, तो अभी हमने गोबर लाया है घर को पूरा साफ करने के लिए। पूजा में हर एक चीज नेचुरली यूज होता है, इसके लिए गोबर हम यूज कर रहे हैं, और हर एक लोग करता है घर में ये चीज, तो अभी पूरा क्लीन होगा इससे गोबर डाल के। जैसे आजकल कॉलिन वगैरह ये सब आता है क्लीनिंग के लिए, वही पहले ये यूज़ होता था। ये गोबर से हम घर को साफ करने वाले, पूरा हर एक चीज़ नेचुरली होता है छठ पूजा में, जो भी फ्रूट्स वगैरह दिए से लेके हर एक चीज़ ही नेचुरल यूज़ होता है, तो देखना मज़ा आएगा। गोबर से क्यों घर को साफ किया जाता है बेटा?
हमारे देश में गोबर का महत्व अपनी जगह पे है। जैसे हम इस गोबर गौ माता को बहुत शुद्ध मानते हैं, गौ माता में 36 करोड़ देवी देवता का वास होता है। और कोई भी शुद्ध काम हम लोग मिट्टी के घर में पहले करते थे, अभी तो पता नहीं यंगस्टर करते हैं कि नहीं करते हैं। सही बात है। मिट्टी बहुत शुद्ध होता है और शुद्ध में मतलब गोबर हमारा सबसे 36 करोड़ देवी देवता है और इनको हम लोग आज के दिन गोबर से लिपते हैं पूरे घर छठ पूजा में, ताकि इसमें शुद्धिकरण आ जाए, सारी जमीन शुद्ध हो जाए, इसलिए हम लोग गोबर से लिपते हैं। उसी में हमारी जो माताएं बहने हैं वो पैर रख के जाती हैं। ये नेचुरल होता है इसलिए। दिस इज फॉर नेचुरल यूज। यस। एंड दिस इज प्योर। यस यस। थैंक यू। और हम लोग इसी के गौरी गणेश भी बनाते हैं गोबर। हाँ, पूजा में यूज होता है। गौरी गणेश के रूप में भी हम लोग पूजा देते हैं, क्योंकि एक गौ माता ही है जिसके अंग में 36 करोड़ देवी देवता। अगर हम एक गौ माता का पूजा कर लें तो सारे भगवान का पूजा हो गया। हाँ जी। What you on? Push it and I zoom. Sonic booms for the room. Run it till the tomb with my goons. Smell the fumes. Y'all know what it do with the crew when we coming through. Y'all know better move, make it fast. Ain't no second chance coming for your ass. Turn to ash, burning rubber. Now better push the gas like. तो अभी गोबर का पूरा मिक्सिंग हो रहा है पानी के साथ, ताकि अच्छे से इस पे आ जाए। पूजा का ब्लॉग दो पार्ट में आने वाला है, एक जो हमने शॉपिंग वगैरह किया और एक जो फर्स्ट डे और सेकंड डे का होगा वो आएगा, तो देखते रहना। पूरा गली को ही कर दिया है गोबर से क्लीन, क्योंकि हर एक लोग अपने अपने डोर से लेके गली तक कर रहे साफ सफाई, तो हमने भी किया है। देखो कहाँ से कहाँ तक हमने किया पूरा। I was living my life, who's so wrong? Always know. आपको दिखाऊंगा लोग बिहार में कितने दिल से मतलब छठ पर्व को मनाते हैं, और जिसके घर में नहीं होता है वो भी बहुत अच्छे से मतलब दूसरे को हेल्प करता है, और रास्ते पे कितने अच्छे तरीके से हर एक चीज़ किया गया है, हर एक जगह पे काउंटर किया गया है, फ्री में सबको दे रहे फल वगैरह। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये शादी से भी बढ़ के होता है, जैसे शादी में सजाया जाता है घरों को वैसे आज रास्तों को सजाया जाता है बिहार में। चलो दिखाता हूँ मैं आपको। तो लोग रास्तों पर फ्री में काउंटर लगाए हुए हैं ताकि किसी को भी मतलब कुछ भी दिक्कत ना हो, हर एक चीज़ यहाँ पे मिलता है। हर एक चौराहे गली पे ऐसा काउंटर लगाए हुए हैं ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। हम गेट देख सकते हैं, जैसा शादियों में लगता है वैसा लगा हुआ है, और पूरा लाइटिंग रास्ते में हुआ है, तो ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। भाई मतलब पूरे दिल से लोग करते, देख लो रास्ते कितने क्लीन किए गए हैं आज। ये देख लो पूरा लाइटिंग हुआ है, रात को इसका सीन बहुत ही सही रहने वाला है, ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मैंने बोला था कि लोग हर एक गली चौराहे पे लगाए हुए हैं सारे काउंटर, हर एक फलों का जो भी चीज़ होता है छठ पूजा में यूज़ होता है उसका, और पूरा रास्ता लाइटिंग हुआ रहता है जितना भी गली है, हर एक गली। मैंने आपको बोला लोग पूरे दिल से सच्चे दिल से करते हैं इस चीज़ को, और लोग हर एक गली में इतने अच्छे से सजाए हुए हैं, डीजे वगैरह लगा हुआ है, गाना बज रहा है, मेरे बैकग्राउंड में आपको सुनाई दे रहा होगा, पूरे दिल से लोग सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ को। अभी तो और भी चीज़ मैं आपको एक्सप्लोर करने वाला, देखते रहना। लोग अपने अपने गलियों को पूरे रास्ते को अच्छे से सजा रहे, क्योंकि पूरे दिल से ये लोग बिहार में ये चीज़ करते हैं, और ये चीज़ देखना है तो आपको बिहार ही आना पड़ेगा, पूरे दिल से करते हैं, कोई फोर्स के लिए काम नहीं होता है। पूरा शाम तक ये गलियां ऐसे ही चमकने वाली आज। ये मेरे गलियां, मेरे घर की रास्ते कितने मस्त सजा दिया गया है। मतलब पूरा एरो भी दिखाया जा रहा है कि रास्ता कहां से कहां जाना है, क्योंकि नदी पे जाने के लिए पूरा रास्ता दिखाया गया है लोगों को। I need love and me myself getting love.
तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, छठ पूजा में हर एक चीज़ नेचुरली यूज़ होता है, तो यहाँ भी गैस का यूज़ नहीं हो रहा है, नेचुरली यूज़ किया जा रहा है। और यहाँ पे हमारा छठ पूजा का प्रसाद बन रहा है, आंटी बना रही हैं। तो देख लो, हर एक चीज़ नेचुरली यूज़ हो रहा है। तो प्रसाद हमारे छत पे बन रहा था, क्योंकि नेचुरली सब बनाना है तो सब साफ सफाई से बनाना है, तो सब अच्छे से यूज़ हुआ है। तो अभी फल वगैरह धुलाने वाला है, देखना जो भी फल है दिखाता हूँ आपको। देख लो, मेरे घर से भी ये वाइट पाउडर हमने मार दिया है। तो देख सकते हो पूरा वेलकम गेट लगाया गया है छठ पूजा के लिए, और बहुत ही सही मजा आ रहा है भाई। देख लो, लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं कलर वगैरह। छठ पूजा का व्लॉग दो पार्ट में आने वाला है। आज एक आएगा जिसमें हमने पूरा सजाया, जो खरीदा, प्रसाद वगैरह बना, और दूसरे पार्ट में फर्स्ट डे एंड सेकंड डे को मैं एक्सप्लोर करूँगा कैसे होता है, क्या होता है। तो गाइज प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, आने वाला है, अच्छे से व्लॉग बनने वाला है, तो देखना। सो जिसने भी यहाँ तक व्लॉग देख लिया, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। मैं मिलती हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।